सगा समाज दादा हीरा सिंह मरकाम तथा अन्य हमारे साथी गणों की उपस्थिति में मैं को नहीं मालूम होगा 1982 हम लोग 5 आदमी ही यहाँ पर आए थे और पहला टेंट हम लोगों ने यहाँ लगाया था 1982। मैं था, दादा मरकाम थे, कंगाली दादा थे, सुनहर सिंह जी थे और एक और दादा थे, वो एक्सपायर हो गए रेली, और उन्होंने झंडा फहराया। मैं टेंट लेके आया था राजनांदगांव से, यहाँ पर लगाया था और उसमें लिखा था, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था, गोंडवाना समाज मध्य प्रदेश, ऐसा करके टेंट यहाँ पर लगाया था जहाँ पर आपका ऑफिस है, ऑफिस है वहाँ पर लगाया। अभी कुछ आज के जो कार्यक्रम है उसके संबंध में बहुत ही कम शब्दों में कहने का निवेदन किया है, तो मैं जो है सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कचारगढ़ है, कचारगढ़ का गोंडी अर्थ दो अर्थों में, एक अर्थ कहता है कि कच्चा गढ़, काचा गढ़, कच्चा मतलब लोहा, और एक दूसरा अर्थ उसी कहता है कचार, कचार करना का मतलब होता है काचे कियाना, काचे कियाना मतलब फूल को गूथना, एक दूसरा फूल को गूथने को काचे कियाना। तो लोहागढ़ वाला सब इसे लोहागढ़ कहते हैं, लेकिन ये काचे कियाना वाला शब्द जो शब्द है वो पहांदी पारी कुपार लिंगों से संबंधित, कि उन्होंने इसको अपनी कर्म स्थली बनाकर गोंडवाना समाज के गोत्र व्यवस्था की रचना की, एक माला में पिरोया 3 गोत 4 गोत 5 गोत 6 और 7 गोत और उस माला में पिरो करके उसको समाज को समर्पित किया। ये महत्वपूर्ण है। आज 18 तारीख, आज मांग की 18 तारीख को मांग की 14, कल 19 तारीख होगा मांग की पूर्णिमा होगी। मांग की पूर्णिमा में 3 बातें महत्वपूर्ण हुई। पहला, पहांदी पारी कुपार लिगो का जन्म हुआ था इस मांग पूर्णिमा में। दूसरा, इसी मांग पूर्णिमा में ही काचे की आना हुआ था, गोत्र व्यवस्था की रचना इसी मांग पूर्णिमा हुआ। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो मांग पूर्णिमा में हुआ था, वो है शंभु नरका पर्व, शंभु नरका पंडुम, शंभु जागरण पर्व, महाशिवरात्रि का पर्व, ये महत्वपूर्ण। महाशिवरात्रि पर्व का आरंभ, आरंभ मतलब शंभु शेख ने उस दिन जहर हलाहल अपने कंठ में लिया था, मांग पूर्णिमा को लिया। अब ये इतना जो उद्बोधन है इसके लिए समय तो लगेगा, और उद्घोषक महोदय कह रहे हैं कि 3 मिनट में खत्म करो, तो 3 मिनट में वाला बताओ कैसे खत्म कर सकते। वले मड़ा बंगार, सेमर का फूल, सांवरी का फूल, वलेक मड़ा पुंगार, उसको मैं प्रतिदिन होम देता हूँ, वलेक मड़ा पुंगार का सेवा से, वलेक मड़ा पुंगार का सेवा से, ये बोलता हूँ। क्यों? क्यों वलेक मड़ा पुंगार जिस दिन फूला, जिस दिन उसने अपने पांचों पखड़ियों को ऐसा फैलाया, उसी दिन हमारा पारी कुपार लिंगो इस धरती पर आया।
तभी उसकी फोटो आप स्टोरी ऑफ गोंडवाना के में फोटो देखेंगे, पारी पुपार लिंगों के जन्म का फोटो या और कोई पत्रिका में उसके जन्म का फोटो देखेंगे तो उसको एक फूल में सोया हुआ दिखाते हैं। एक वो कौन सा फूल है? वही वलेक मड़ा पुंगार, वलेक मड़ा जिसको अपन सेमर गांव कहते हैं, सेमर का फूल। और इसी सेमर गांव से संबंधित वहां सेमर गांव में उसका वो होता है यात्रा होता है, बहुत बड़ा यात्रा होता है वलेकनार। उसका नाम वलेकनार नहीं है, सेमर गांव, लेकिन उस वलेकनार में इसी पारिकुपार लिंगों का यात्रा होता है और वो चार साल में एक बार होता है वो यात्रा। और वो यात्रा को वैगा गुनिया जो हमारे भूमकाल होते हैं वो अपना तारीख निकालते हैं और वो तारीख निकाल के पूजा वगैरह पूजा अर्चना होता है और वो मुश्किल से 2 या 3 घंटा होता है। उसमें करसाड़ नृत्य होता है, करसाड़ नृत्य में इतने देव आते हैं कि उनके करसाड़ को अगर सुनोगे, करसाड़ क्या होता है, बांस का डंडा रहता है लंबा लंबा, उसको उन लोग बजाते हैं आपस में ऐसे कड़कड़ बजाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा माहौल जो ऐसा लगता है कि जो भोले बाबा का डमरू बाज रहा है कड़कड़ वैसे वो बांस जब ऐसा टकराते हैं वो देव आता है और नाचते हैं। और भूमका जो रहता है जो बड़ा वाला भूमका है वो जो है एक ठोक खप्पर है वहां पर सेमर बाबा खप्पर का टूटा हुआ खप्पर, वो मैं देखा हूँ जा करके, वो खप्पर है 2 टुकड़ा हो गया। उस खप्पर को आदमी दूसरा आदमी उठा नहीं सकता, उसको एक हाथ में उठा के फेंक देंगे ऐसा नहीं, उसको उठाएगा तो वो बड़ा वाला भूमका जो पुजारी जो सबसे बुढ़वा रहता है बुढ़ा वही उसको उठाता है। वो खप्पर में पारी कुपार लिंगों को क्या होम दिए हैं जो भी दिए हैं उसमें उसकी आत्मा बसी है क्या है, उसको कोई उठा नहीं सकता, वही उठाता है और वो आगे आगे चलता है और पीछे कम से कम 25 देव लोग करसाड़ बजाते रहते हैं और उसके पीछे कम से कम 50 तो आंगा बैठे रहते विश्राम करते, अलग अलग गोत्र का आंगा पूरा करता और इतना धूम बाजा बजता है। यही शॉर्ट कट ये सुन लो, दूसरा वाले मुद्दे पर आ जाओ शॉर्ट कट पे कि पहांदी पारी को पार लिंगो ने ये जो कचारगढ़ का जो गुफा है ना वो गुफा में शंभू शेख ने गोंडवाना समाज के 33 बच्चों को बंद कर दिया था और बहुत बड़ा पत्थर ढांक दिया, इतना ताकत था उसके पास कि बहुत बड़ा पत्थर ढांक दिया था और अभिमंत्रित कर दिया था, उसको मंत्र मार दिया। ये मंत्र ऐसा मंत्र मारा था कि वो ताकत से नहीं खुलेगा, चाहे हमें हाथी फान दो चाहे घोड़ा फान दो चाहे बैला फान दो वो नहीं खींच सकेगा पत्थर। तो उसने उसका शंभू शेख को जो पूछा गया कि ये पत्थर खुलेगा कैसा बच्चे को अगर मुक्त कराना है तो उसने रहस्य बताया, ये पत्थर जो खुलेगा ये संगीत से ही खुलेगा, संगीत बजाओगा, लेकिन संगीत बजाने वाला वो पत्थर के खुलते ही मर जाएगा, ये उसमें था। तो हीरा सूका ने वो भार उठाया, मैं संगीत बजाऊंगा। तब हीरा सूका वहां बजाया किंगरी की बजाई तो पूरा पत्थर तड़क के ओकरे ऊपर गिर गया पूरा पत्थर और हीरा सूका वही में दब गए खत्म। इस तरह गोंड समाज के वो 33 कोटि बच्चा उस गुफा से बाहर आए और पारी कुपार लिंगों ने सबको, किताब में तो ये लिखा गया है कि वो सबको ले गया बैनगंगा नदी यहाँ से और बैनगंगा नदी से लान के नहवा के यहाँ लाई और यहाँ लान के
तीन देव, चार देव, पांच देव, छह देव, सात देव, आठ देव, नौ देव, बारह देव, ऐसा बारह सका कर घोषणा किया। 33 कोटी बच्चों का एक विभाजन किया और गोत्रावली की रचना हुई। इसी मांग को उस रचना के बाद आज हमारा जो गोत्र है उस गोत्र के साथ टोटम जुड़ा हुआ है। टोटम, टोटम का मतलब होता है हमारा गोत्र चिन्ह जुड़ा हुआ है। जैसे नेताम के साथ नए काम, नए मतलब कुत्ता, ताम माने ताकमड़ा और हा माने हेलबुल, कुत्ता भी है और ताकमड़ा मतलब बहरा पेड़ है और हेलबुल यानी कछुआ है। तो पारी कुपार लिंगों ने तीन ठो गोत्र चिन्ह जोड़ दिया इनके साथ। ये तीनों गोत्र चिन्ह को नेताम सब नेताम को पूजा कर रहा है, उसको नष्ट नहीं कर रहा। वैसे ही 750 गोत्रों की रचना हुई और उस रचना के हिसाब से 2250 वस्तुओं को एक साथ स्थापित करने का और एक साथ सहार करने का ऐसी उपयोगिता बनाई। वो बच्चे निकल गए, उनको गोत्रावली मिल गई। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने गोत्र को वो करो, क्या बोलते हैं, उसका विश्लेषण करो। जैसे मैंने अभी नेताम का विश्लेषण किया, नए ताम, नए यानी डाग और ता यानी ताकमड़ा और हा यानी हेलबुल, ये तीन चीज गोत्र गोत्र में आपका तीनों टोटम घुसा हुआ। अब पारी को पार लिंगों को ये जबानी याद था और उस याद था और सबको वो बता दिया था तुम्हारे पुरखा को, ये तीनों को तुमको जीवन भर के लिए मानना है। ये अजीब बड़ा संयोग है कि कुत्ता कछुआ को देख के भूखता नहीं, बाकी सबको देख के भू 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 करेगा, लेकिन कुत्ता कछुआ को देख के नहीं भूखेगा। कुत्ता सब पेड़ में पेशाब करेगा लेकिन बहरा पेड़ में पेशाब नहीं करेगा। ये उसका संयोग जुड़ा हुआ है। इसलिए नेताम लोगों का ये तीन तो गोत्र चिन्ह है, सब गोत्र का होता है। मेरा कोरराम है, कोरमेंद है, कोरमेंद मतलब होता है मुर्गी का अंडा। अंडा को हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। मैं छोटा था, करीब 3 साल का था, तो मेरी बड़ी बहन को मैंने जिद किया कि मैं अंडा खाऊंगा। अरे नहीं, अंडा नहीं खाए हमारे कोरराम, मन अंडा नहीं खाए। वो बताए इसके क्या है, नहीं 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 खाई, नहीं मैं खाऊंगा अंडा खाऊंगा। अरे ये तो बहुत जीत कर रहे थे, कैसे करें। तो वो का करी अंडा, मुर्गी अंडा ला, गोबर में यह करी भीतर में गोबर करके उस गोल गोला बांध दी और वो गोला ला गोरसी के पलपला में डाल दी और डाल के नहाए भर चल दी और नहा के आई तो पलपला में गोरसी के अंडा अंडा जो है वो गोरसी छेना बन के ऊपर आग आग अंडा बॉइल्ड हो गया। तब मोर बहन है कहीं से मोर से कम 10 साल बड़े ही से, अब तो खा सकता ये अब अंडा नहीं रहे ऐसे करके। तो वो बोला बताए इस नहीं रहस्य, लेकिन कोर में हमारे को राम बन के बहुत चिंता। फिर दूसरा मेन मतलब होता है, फिर और मेन फिर तो दूसरा चिन्ह होता है कि हमारा वो कसी ही पेड़, कसी ही पेड़। और तीसरा होता है मोदी आलमी, ये तीन हमारे। इसीलिए मेरे पूरे समाज से निवेदन है कि आप अपने गोत्र के गोत्र चिन्ह को निकालने का कोशिश करो। आपको अपने गोत्र चिन्ह में आपको मिलेगा, एहसास हो जाएगा कि ये चीज हमको कुछ नहीं लग रहा है तो इसका हमको जरूर कुछ ना कुछ अर्थ है। हम झारसुगड़ा उड़ीसा गए थे तारम जी के साथ, तारम जी के साथ झारसुगड़ा उड़ीसा गए थे एक तो मीटिंग में और रास्ता में ताड़ी के रास्ता भर ताड़ी के ताड़ी बेचावत रही। तो हमन जीप से उतर के सब जन गर्मी के दिन से ताड़ी पे, तारम को मैंने बोला तारम के ताड़ी मत पिया,
यही तारम बेचारा जो स्वर्गवास हो गए ते ताली मरती। अरे काबर काबर मोला ताली मरती कर। अरे न मत पी बार यार मान बे नहीं कर। जते थे ना मन आठ जन पिए रहें ते मन लग कुछ नहीं हो। वो तारा में चला वो तार के पानी है उल्टी हो। इसका मतलब है ताड़ मड़ा तारम लोगों का गोत्र चिन्ह। ताड़ मड़ा का जो रस है वो गोत्र लोगों तारम लोगों को सूट नहीं करता। इस तरह आप लोगों को निकालना है। कुमर्रा गोत्र का एक चिन्ह बता रहा हूं। कुमर्रा गोत्र को सब कथरी उड़ा दे, चद्दर उड़ा दे, ब्लैंकेट उड़ा दे, ओला कुछ नहीं। लेकिन कुमर्रा गोत्र को भेड़ के ऊन के कहूं उड़ा दे तो तुरंत उधार उधार के फेंक दे। काबर ओले एकदम अग बकासी लग वो भेड़ के। और दूसरा ब्लैंकेट ला उड़ावे तो कुमर्रा ला होनी। तो कुमर्रा मन के कमरा है गोत्र चिन्ह है। ऐसे मोर सगर देवता हो तुमन अपन अपन गोत्र के टोटम मल ढूंढो। तीन चीज है, कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, अनेक प्रकार के। काबर के एकर कोई किताब विताब नहीं। और जे भी किताब है भी वो में सब अधूरा अधूरा जानकारी को छुपाना है। आगे बढ़ते अब इसके बाद गोत्रावली का रचना हो गया। 750 गोत्र गोत्र चिन्ह बन गया। ये तो पारी कुपाल ने काचे किया ना कर। अब तीसरी बात में आ जाते हैं। काय में शंभू नरका पर्व। शंभू नरका पर्व या शंभू नरका पंडुम ये बैतूल के जो लोग रहने वाले होंगे, पतालकोट के आसपास रहने वाले जो लोग होंगे, उस इलाके के लोग इस पर्व को मनाते हैं। शंभू जागरण पर्व। शंभू को जागरण, शंभू सम और भू। सम का मतलब संयुग और भू यानी धरती। पांच खंड धरती का मालिक गोंडवाना गंडोवाना, गंडो यानी पांच, वाना यानी प्रदेश, पांच धरती खंड का मालिक कहाँ बैठता था? पंचमढ़ी। हमारा शंभू से कहाँ बैठता था? पंचमढ़ी। आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य का जो महायुद्ध हुआ उस युद्ध में आर्य लोग विजित हो गए और अनार्य लोग हार गए। अनार्य लोगों का देवता शंभुसेक और आर्य लोगों का देवता विष्णु भगवान। जब अनार्य लोग हार गए, अब अनार्य लोग कौन थे? एक तो केछुआ वाले राजा और एक मरई वाले राजा, नागवंश और कच्छप वंश। आर्य लोगों ने कच्छप वंश को इतना समझौते में इतना दबाया कि बताओ कौन कौन सा चीज तुम्हारे पास है। इतना दबाया उसको किसके ऊपर सुमेरु पर्वत भी रख दिए, फिर भी छटपट आते रहे। फिर नागवंश को बोले, नागवंश का बड़े वाले सांप लला, वो सांप लो में लपेट दिए। एक तरफ दाना हो एक तरफ देवता, दोनों जन मथा था। ये फोटो तुमन देखे हो और वैदिक ग्रंथों में इसकी विवेचना है। लेकिन वस्तु स्थिति दूसरी कि आर्य और अनार्य, अनार्य का देवता शंभू से, शंभू यानी सात धरातल सात खंडों का राजा, हमारा राजा गोंडवाना का राजा इस सात भूखंड पर राज करता। तो वो जो सागर मंथन हुआ उस मंथन से
दो महत्वपूर्ण चीज निकला। निकलने के लिए तो वहाँ 15-16 फुट चीज निकली कि वहीं से देवगन गुरु और का और हाथी निकला, वो झाड़ निकला और का काम देनु बहुत सारे निकले, लेकिन दो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण। दो चीज क्या महत्वपूर्ण था? एक तो वहां से निकला अमृत का कलश और एक निकला वहां जहर का कलश। दो ठो कलश निकला। इसका मतलब यह है कि सप्त खंड धरती के राजा शंभू सेठ, गोंडवाना के राजा शंभू सेठ जो अनार्य वंश का मुखिया था, उसको या उसके कंपनी को जहर भी बनाना मालूम था और अमृत भी बनाना मालूम था। जहर का तो नहीं मालूम, लेकिन अमृत के बारे में अंग्रेजी का जो किताब है स्टोरी ऑफ गोंडवाना, स्टोरी ऑफ गोंडवाना में लिंगों की गाथा का जब वर्णन आता है तो शंभू से उसमें उस लिंगों की जो गाथा आता है उसमें शंभू लिंगों को उसके चारों भाई मार के फेंक देते हैं जंगल में और एक हफ्ता ले वो वहां पड़े पड़े उसका शरीर सर जा रहा है, खत्म हो जा रहा था। कौन है? लिंगो। वही लिंगो जो अरे जान रे ओका कथे लिंगो ल मार के फेंक दे बाबू, तेला उठा के लान अभी ओकर बहुत काम बाचे। ऐसे करके वो किताब में वो घटना का वर्णन है कि वो जाता है कौन वो करिया भीमान और जाता है और वो शंभू लिंगो जो है एक हफ्ता ले जा मर जा रहे थे, पड़े पड़े सड़ जा रहे थे, तेला अमृत पानी छींटते। इस बात की पुष्टि होती है कि गोंडवाना समाज अमृत बनाना जानता था। शंभू सेठ के कहने पर करिया भीमाल उसके पारी कुपार लिंगो के ऊपर अमृत छिड़ता है और फिर पारी कुपार लिंगो जीवित हो जाता है और जीवित होकर के वापस आकर के फिर वो काचे कियाना वाला गोत्रावाली की रचना ये सब बात आता है। वो आता है उसके बाद फिर वो बहुत बड़ा पक्षी में बैठ के पूरे इस कोयामरी द्वीप का भ्रमण करता है, विचरण करता है, विचरण करके सब जगह से बिल्कुल कहाँ क्या करना है वो व्यवस्था करता है, उसके बाद वो गोत्रावाली का रचना करता है। तो हम अभी आ रहे थे, अब दूसरी उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि गोंडवाना समाज जहां अमृत बनाना जानता था तो जहर भी बनाना जानता, हलाहल। तो मंथन जब हुआ तो वहां से जहर भी निकला और अमृत भी निकला। तो अमृत के घड़ा ला विष्णु भगवान ले लिस और अपन देवता मान ल बांटे भर दिया, लेकिन जहर के घड़ा ला हमर शंभू सेठ हलेलिस, मैं हाँ अपन गण मल नहीं पिलाऊ, मैं अकेला पीऊ। विष्णु भगवान है अपन सब देवता मल अमृत ल बांटिस, लेकिन शंभू सेठ जहर के कटोरा ला एक झन उठा के गटगट गटगट पी लीस और पूरा वो जहर है ऊपर एक गर्दन में आके यहीं पर आके अटक। इसका मतलब ये होता है मेरे गुणवाना सगा साथियों
कि शंभु से को ये भरोसा था कि मैं अमृत पान कर चुका हूं, अब इस जहर का जो सेवन मैं करूंगा तो ये जहर का असर मेरे ऊपर नहीं होगा, लेकिन मैं अपने गणों को, अपने गण देवता को अगर इस जहर को दूंगा तो उन लोगों ने अमृत का सेवन नहीं किया है वो पड़पड़ मर जाए। उधर देवता लोग अमृत को पी करके और ताकतवर हो जाए। शंभु शेख को मालूम था, इसीलिए मांग पूर्णिमा के दिन शंभु शेख ने वो सागर मंथन से जहर का प्याला निकला था जिसको हलाहल कहते हैं, उस हलाहल को गटागट गटागट पी ली, और पीने के बाद वो जहर इतना असरदार था कि वो अमृत पिए हुए शंभु शेख का प्राण मूर्छा खा गिर पड़ते वो उठकर और मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते। उतरी बेर गण मन जो गण होकर उपस्थित रही नहीं, देवता गण नहीं, हमारे जो जिला हम रक्ष गण कथन, असुर गण कथन है, हमारे गोंडवाना के गण कथन के मन सब होकर खड़े ही नहीं, ओला एकदम चिगी लेंगी धर के उठा लें, आओ भागत भागत ओला दौड़त दौड़त कहाँ लाइन, शंभु शेख को पताल कोट लाइन, पताल कोट ला करके वहां होकर इलाज शुरू करें। अब पताल कोट ही क्यों लाए ये प्रश्न है, प्रश्न ये है कि वो गण लोग शंभु शेख को कंधा में उठा करके पताल कोट काबर लाए, दूसर जगह काबर लाए, उसमें भी रहस्य है। पतालकोट ऐसा स्थान है जो जमीन से कम 1.5 या 2 किलोमीटर गहराई में, ऊपर के धरातल से कम पताल बरोबर 1.5 किलोमीटर अंदर गहरी में, तो उससे क्या होगा कि हमारे गण लोग जो पताल के भीतरी में ओला संभूला ठीक करे बर जो मंत्र पाठ कर ही, मंत्र पाठ कर ही वो मंत्र पाठ है 100% पूरा पूरा संभूला लगी, काबर वो पाताल कोट के व्यवस्था ऐसे है कि नीचे में बोलते थे ऊपर में सुनाई नहीं दे, और ऊपर में बोलते थे नीचे में सुनाई नहीं दे, एकर पीछा करेगी इसके संबुला लेके कहां जा एमन पाताल कोट में चलेगी, तो मन वहीं से मारण मंत्र जो चलाई वो मारण मंत्र पताल के ऊपरे ऊपर निकल गए नीचे निकली, और इस तरह हमारे गणों ने, हमारे गोंडवाना के गणों ने शंभु शेख का 13 दिन तक इलाज किया। 13 दिन के बाद शंभु शेख हाय हाय करके जागिस, ओहिला शंभु जागरण पर्व, शंभु नरका पंडुम, शंभु नरका पर्व, महाशिवरात्रि पर्व, इस नाम से आज की तारीख में हम लोग पुकारते हैं। ये वही महाशिवरात्रि है जिसमें आपके शंभु शेख ने आप सब लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि आप सब लोग हमारे गणों के ही संतान हैं, अगर सब लोग जहर पी गए होते तो आज आप लोग यहां बैठे हुए दिखते नहीं, दिखते
हम लोगों को बचाने के लिए, पूरे गुणवाना समाज को बचाने के लिए शंभु शेख ने वो जहर पी लिया। लेकिन वो जहर इतना पावरफुल था कि 13 दिन तक वो मूर्छित रहे और 13 दिन को जागरण हुआ। और जागरण हुआ उसी पर्व में, वो 13 दिन ले जो हमर कण मन नहीं नहा रही है, 13 दिन ओकर सेवा करत रही है, ते गण मन ला उही दिन तरिया में नहाए के, नहवाए के, पानी में डुबो के नहवाए के व्यवस्था आज भी बस्तर के बड़े डोंगर में प्रचलित है। महाशिवरात्रि के दिन सब अहंगल लेच के तरिया में लेच के नहलाते और नहला के फिर लानते और लान के फिर कपड़ा में पोछ भाज के और फिर देवता मन अपन अपन घर जाते, अपन वो गण मन अपन अपन घर जाते। कहां ये दृश्य अगर देखना है आपको, साक्षात दर्शन करना है, तो कोंडा गांव के पास बड़े डोंगर करके स्थान है, वहां आपको जाना पड़ेगा। मैं गया हूं, अपने आंखों से देखा हूं और देख करके धन्य हो गया हूं कि उस दिन वो गण जो मन 13 दिन ले नहीं नहा रही, वो मन वो दिन जाके नहाते और नहा करके वही दिन सिमगा, सिमगा यानी रंग गुलाल, रंग गुलाल खेलते आनंद के उत्सव मनाए। भभूत के चंदन लगाते और भभूत लपन माथा में मलते और उही दिन ओला 15 दिन आर्य समाज मन बढ़ा के होली का उत्सव करते हैं। महाशिवरात्रि के 15 दिन बाद होली का उत्सव आता है और वो दिन रंग गुलाल को खेलते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा रंग गुलाल का दिन महाशिवरात्रि का दिन, हमको उस दिन रंग गुलाल खेलना है, उस दिन हमको उत्सव मनाना है, उस दिन हमको पंडुक मनाना है, उस दिन हमको पर्व मनाना है, उस दिन हमको त्योहार मनाना है। क्यों? कि हमारा शंभु शेख ने हमारे लिए जहर किया। इसलिए कंगाली जी जब जीवित थे तो हमने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया, क्या कि फागुन का एकम लगेगा उस दिन से गोंडवाना समाज को 13 दिन का उपवास रखना पड़ेगा। गोंडवाना समाज उस शंभु शेख के नाम से उपवास रहेगा 13 दिन तक, भले एक टाइम खाए, रात में खाए, दिन में मत खाए, और 13वां दिन उस उपवास का विसर्जन करेगा। कैसे विसर्जन करेगा? अगर आप 7 देव वाले हो तो 7 छेना, एक के ऊपर 7 छेना मड़ा लो और छेना ला पूरा जला दो, नीचे से ऊपर जल के छेना के छोटे रूप ले लो। जितना गोत्र वाले हो, 6 वाले हो तो 6 ठन, 5 वाले हो तो 5 ठन, 4 वाले हो तो 4 ठन, 3 वाले हो 3 ठन, 3 ठो छेना मना लो, तीनों छेना ला जला दो और छेना जल करके भस्म और राख हो जाए। उही राख ला अपन मुंह में रखो और उपास ला तोड़ो और उही राख ला अपन माथा में लगाओ और अपन शरीर में लगाओ। यही हमारा नरका पंडन है, यही हमारा महाशिवरात्रि पर्व है। इसको पूरे गोंड समाज को मानना चाहिए। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था, अब नहीं मालूम प्रस्ताव पारित का उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि 13 दिन उपवास रहना चाहिए हमारे गोंड समाज को। अब 13 दिन उपवास रहेंगे और 13 दिन जा कर के वो उपवास लटोरबो और वो दिन हम एक दूसरे में भभूत लगा के वह कर लो। आप देखोगे कि जो आर्य समाज है, जो होली का उत्सव होता है, तो उसमें
आप देखोगे लोग छेना का माला बना करके होलिका में डालते, छेना के माला बना के वो होली जलते थे में डालते, वो इसी व्यवहार का एक एक अजीब सा प्रतीक है कि हम को तेरहवें दिन वो छेना के राग से हमको वो करना चाहिए। इस तरह पांडिपा हमारे शंभु शेख ने जहर का सेवन किया और हमारे समाज को उन्होंने हमसे बचा लिया। ये हमारे गोंडवाना समाज की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दस्तावेज है। मुझको समय कम दिया था, फिर भी मैं संक्षेप में बता दिया। इतना ही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय श्री वाह, जय जय। धन्यवाद सर।